हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, लेकिन आज हम लोग ठीक नहीं हैं क्योंकि कहीं देख लेते हैं कुछ आ तो नहीं रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसका अनुमान भी हम लगा नहीं सकते, जो कि भयानक भी हो सकता है। आज हमारे साथ ऐसा ही कुछ घटना घटा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलते भागते हैं यहाँ से। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सेफ लोकेशन पे और मेरे पीछे देख सकते हैं ये पक्का का मकान है। तो गाइस, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल का नाम है आरटी के ब्लॉग और इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। आज हमारे गांव में दोस्तों हाथी का आगमन हुआ था। दो घर टूट चुके हैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन जानमान का हानि थोड़ा कम ही है, फिर भी उसके सामने क्या टिक सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। वहां का नज़ारा तो नहीं कहेंगे, जो भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। चलते हैं अपने उस जगह पे जहाँ पे हाथी ने तांडव मचाया है। फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं दोस्तों जहाँ पे हाथी ने तोड़ फोड़ मचाई थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये बाउंड्री है, बाउंड्री टूटा हुआ है। ये देखिए ये बाउंड्री, और इस साइड से निकल के हाथी देख सकते हैं पैर का निशान है, इसमें आया है, इसमें निकल के गया है, ये है निशान। ये क्लोज व्यू देख सकते हैं, ये पैर का निशान है। ये देखिए, ये क्लोज पास करके दिखा देता हूँ, आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से तोड़ा है और ये भूसा खाया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें चलते हुए ये क्रॉस हुआ है, आगे गया है। यहाँ सुनते हैं सबका सलाह से कि नहीं रहना चाहिए, मतलब यहाँ से भागने के बाद में ना, ये खा उसी समय उसका विनोद का कितना बड़ा थोड़ा उसका विनोद ज्यादा तो नहीं फोन रहे बोल रहे थे। जैसा कि सुना दोस्तों आप लोगों ने, पीड़ित के मुँह जुबानी कितने परेशान है, क्या हुआ क्या नहीं घटना का बताया उनने। ये सड़क ये, और इसी साइड से मतलब हाथी का आगमन हुआ, बाहर सोए उसके बाद वहाँ से वापस लौटा, फिर से वो पेटल सिंह लोग का आंगन से, आंगन में वहाँ ठाठा को तोड़ा, वहाँ से निकला। निकलने के बाद वहीं से खंभा है, तो वहीं तीनों तीनों खड़े हो, मेरी मम्मी देखी बोल रही है कि यहाँ देखा हाथी आई है, घुस गई। उसके बाद तो हाथी आया, हाथी आया बोल रही, तो मेरा कान में कहा सुनाई दे रहा है, नींद में था, गांधी आया गांधी आया सुनाई दे रहा। फिर मैं बाहर निकला, फिर क्या बोलते हैं रोडे रोड आया, फिर खजूर के खजूर है हम लोग के पास सामने में, वहीं से नीचे उतरा, नीचे उतरा तो मैं देखा, मैं सोचा कि वापस लौट के चला एक जाड़ा पेड़ में उधरी घुसा होगा, मैं बोला। फिर अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद तुरंत ऊपर चढ़ा, फिर देखा तला तो था वहाँ पेड़ आस पास, उनको तीन टूटा लाइन लाइन चढ़ रहा, फिर तीनों के साथ रही, मतलब तीन टू आती था कि चार टू था, तीन टू था, तीन टू। उसके बाद बिट्टू को फोन कुछ समय कहाँ पे उस समय पटकला लोग बिट्टू लोग उस समय तो लोग देखते तब करा साइड परसा भार पर परसा भार तू लोग का घर तरफ जा रहा है, भी देखना है मैं बोलता हूँ नहीं तो आए, फिर उसको हम तुरंत ही तो मेरे को सवा आया एक मिनट के लिए मोरू किस पे आया क्या आए, फिर से तो हम लोग देखने भी आए थे इधर, फिर हम लोग को यहाँ उस कूदाया।
भी है जैसा कि हम सुन सकते हैं दोस्तों कि हाथी के साथ एक बच्चा भी है। बच्चा है तब तो बहुत तेज होता है। जनकपुर में फिर कितना टू घर को तोड़ा है? 3-4 घर। जैसा कि पता चल रहा है दोस्तों कि 3-4 घर जनकपुर गांव में ऐसे टूट चुका है हाथी द्वारा। जनकपुर हम जा नहीं सकते दोस्तों क्योंकि वह थोड़ी दूरी में है हमारे गांव से। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग को लाइव आपको देखा हाल दिखाया जा रहा किस प्रकार से घटना हुआ क्या नहीं। ये जंगल है सामने, इसी जंगल की आड़ में हाथी जंगल की ओर चले गए रात को ही। हर साल ऐसी घटनाएं होते रहती हैं दोस्तों। गांव का जीवन ऐसे ही है, हर कठिन परिस्थिति में सामना करने की ताकत होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों रोड पे हाथी के पैर के निशान किस तरह से दिखाई देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हाथी के पैर के निशान किस तरह से दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़े उनके फुटप्रिंट्स, ये हमारे गजानन के पैर के निशान हैं। गणेश जी हमारे गांव घूमने आए थे, ज़्यादा किसी का हानि ना करते हुए चुपचाप से खा पी के निकल गए जंगल की ओर। धन्य हो भाग हमारे, गणेश जी के चरणों के दर्शन हो गए। फाइनली दोस्तों यही कहना चाहूँगा, हाथी प्रभावित क्षेत्र में जितने भी रहते हैं वहाँ के वासियों से यही आग्रह है कि उसे परेशान ना करें, उसे छेड़े ना, उसे चुपचाप जंगल की ओर जाने दें। दोस्तों कई जगहों में इनका शिकार किया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसे भगाया जाता है, तो ऐसा ना करें दोस्तों क्योंकि ये प्राकृतिक संपदा है, इनकी देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य है। तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।